गोहद में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक रणबीर जाटव के साले ने फोन पर एक आम नागरिक को जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसका ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि विधायक के साले एक व्यक्ति को घर से उठाकर किडनैप करने और उसको जान से मारने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस नंबर से बात की जा रही है वो नंबर गोहद थाने में तैनात आरक्षक का बताया जा रहा है, जो अपने फोन से कॉन्फ्रेंस पर बात करा रहा था। आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला। धमकी से डरकर पीड़ित ने आईजी और डीआईजी चंबल को शिकायती आवेदन भी दिया है। आवेदन के अनुसार 9 जुलाई गुरुवार को पूर्व विधायक रणवीर जाटव के मुंह बोले साले और मिनी विधायक अविनाश से कहा, तू होने वाले आगामी विधानसभा का उपचुनाव नहीं कर पाएगा और न ही चुनाव देख पाएगा। मुझे और मेरे परिवार को झूठे केस में फंसाया जा सकता है। इन सब लोगों की नेतागिरी में रुतबा बुलंद है। साथ ही पीड़ित ने बताया कि यह मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना घटित कर सकते हैं। अगर मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार बल्लू सेमर होगा। इस तरह के आवेदन देकर फरियादी ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार चंबल आईजी से की है। जो ऑडियो वायरल हुआ है उस ऑडियो में 10,000 रुपए लिए जाने का जिक्र होते ही मुंह बोले साले साहब आपा खोते नजर आए और गाली गलौज करने लगे। साथ ही यह सब तो गोहद थाना में तैनात आरक्षक अपने फोन से कॉन्फ्रेंस पर लेकर यह काम करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी धमकी देने वाले को नहीं रोका बल्कि पीड़ित को ही थाने पर बुलाया। हेलो, यस जी राम जी, बल्लू भाई से बात कर लियो। बल्लू भाई से बात कर लियो लाइन पे। हेलो, हाँ भैया, बल्लू बोल रहे हैं। बोलो राम जी, क्या कह रहे तुम? बल्लू हमसे सही कह रहे तो तुम भाई साहब ज्यादा बुक कर रहे हो, गरीब आदमी है, इतना नहीं मानना चाहिए। इतनी ठीक नहीं है नाराजी, तुम तो अमेरिका ना आ तू गई नहीं आ रहे ना। मेरी बात सुनो, आपने बाबूजी अरे तो बात सुनो, बात की बात सुनो, गाड़ी बैठ कर धर्मेंद्र धर्मेंद्र मैं जाना ही हूँ भाई साहब, मेरे पास मैंने उसका फोन देखा तो धर्मेंद्र के फोन से फोन मेरे पास आया कॉन्फ्रेंस में। दूसरा फोन एक राहुल के नाम से फोन आया मेरे पास, रिपोर्टिंग भी है, मैं कई दोसे दे रहा है और मेरा रहन जीना मुश्किल हो रहा है। मैं पुलिस प्रशासन के यहाँ गया, मैंने थाने में भी आवेदन दिया, एसडीओपी साहब को भी मैंने आवेदन दिया, आज मैं डीआईजी साहब के घर साहब के पास पहुंचा, मैं आईजी साहब के भी जहाँ गया, उसके बाद मैं घर आके बैठ गया जमे आके। मुझे धर्मेंद्र आरक्षक है कोई थाने में, वो पुलिस में है और वो सियाटे बुकिंग का काम करता है, उसने मुझे उसके फ़ोन से दोष आई है, तो इसी बात पर मुझे जो शंका है कि मुझे मेरे बच्चों को कभी भी कुछ हो सकता है, मेरी हत्या भी हो सकती है, मैं किडनैप भी हो सकता हूँ, मुझे झूठा केस में मेरे बच्चों को भी फंसाया जा सकता है। यानी जब रणवीर विधायक का साला बहुबली नेतागिरी बलपूर्वक सारे इसके पास है, मैं इससे ज़्यादा पुलिस के पास अपने आस्था लेके गया, पुलिस की शरण में मैंने कहा पुलिस प्रशासन मेरे पुलिस प्रशासन के हाथ मेरी
हत्या बच सकती है, नहीं तो मुझे कोई बचाने वाला है ही नहीं। अब मैं अपने घर बैठ गया हूँ, अपने गांव के लिए व्यवस्था करूँगा, गांव जाने के लिए गांव रहूँगा, क्योंकि मैं बहुत में तो रह नहीं पाऊँगा। ये बाहुबली लोग हैं, इसका संगठन बहुत जोरदार है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मेरा इस समय कोई नहीं है।